गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कल हमने आपका चैप्टर डाइवर्सिटी में डिस्कस किया था, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स। कैरेक्टर क्या है कि इसमें जो मेम्ब्रेनस, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं दिखाई देता। जो जेनेटिक मटीरियल है वो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड कॉइल्ड हेलिकल डीएनए की फॉर्म में मिलता है, जो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम और लिपिड ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं। सेल्स ऑटोट्रॉफिक भी हो सकती हैं, जो अपना फूड खुद बनाती हैं, और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकती हैं। किंगडम मोनेरा आगे दो सब किंगडम में डिवाइड है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में ये ऑटोट्रॉफ है, अपना फूड खुद बनाते हैं, और ये अपनी एनर्जी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जो कि इन्हें केमिकल एनर्जी सोर्सेज के ऑक्सीडेशन से मिलती है, जैसे कि रिड्यूस गैसेस। इसमें आपके अमोनिया, CH4, मिथेन, हाइड्रोजन, ये सब आते हैं। इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में जो केमिकल्स आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अमीनो एसिड और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। आर्की बैक्टीरिया आगे मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, इनमें डिवाइड हो जाते हैं। मिथेनोजेंस क्या हैं? जो मिथेन का मैन्युफैक्चर करेंगे, और ये कूड़े करकट से निकलने वाली गैस है। थर्मोएसिडोफिल्स वो होते हैं जहाँ पर H2S की सप्लाई होती है, ये उससे अपनी एनर्जी लेते हैं। हेलोफिल्स ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पर सोल्टी एनवायरनमेंट होता है, यानी नमक का, ये एल्केलाइन मीडिया में ग्रो कर जाते हैं। यू बैक्टीरिया ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है, जिनमें जो बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें आउटर सेल वॉल पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेर कर रखती है, और इसमें ये साइटोप्लाज्म को घेर कर रखेगी, जिसके अंदर राइबोसोम होगा, जैसे देख रहे हैं। इसमें ये जो अंदर स्ट्रक्चर जा रहा है, ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, मीजोसोम। ये आते हैं इसके थायलाकॉइड, जिसमें ये अपना फूड बनाते हैं। क्रोमोसोम इसमें बिखरा पड़ा रहता है, यानी डीएनए बिखरा पड़ा रहता है कॉइल फॉर्म में। पेप्टाइडोग्लाइकन्स की यहाँ पर एक सेल वॉल होती है, ये आउटर सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है, और मूवमेंट यानी लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला और पिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होंगे, जैसे कि रोड शेप्ड हैं, बैसिलस कहलाते हैं जो रोड शेप्ड होते हैं इस टाइप के। फिर अगर राउंडेड हैं, स्फेरिकल शेप्ड हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कोकस। और जो हमारे पास कॉर्क स्क्रू शेप्ड होते हैं, लाइक स्पायरुलम, ये स्पायरुलम है। कोमा शेप्ड यानी कि विब्रियो, ये विब्रियो हैं। स्पायरल शेप में आएंगे आपके स्पायरोचीट। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। इनमें क्लोरोफिल मिलता है, जो अपना फूड बनाने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल है नोस्टॉक एनाबिना, जो एटमोसफियर की नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि इनका अपना कोई शेप नहीं होता। ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सीवेज, दम, गंदे पानी में, मिट्टी में मिलते हैं। ये न्यूमोनिया जैसी बीमारी फैलाते हैं। इन्हें PPLO के नाम से भी जाना जाता है, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये DNA बिखरा रहता है, राइबोसोम, सोलेबल प्रोटीन, सोलेबल RNA, और ये 3-लेयर्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। ये पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स पर। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। सबसे पहले ग्राम ने इनकी स्टेनिंग की थी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, तो उसके बेस पर इन्होंने दो बताए। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन आता है, ये उसे रोक कर रखते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन नहीं रुक पाता, ये रेड काउंटर स्टेन देते हैं। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर बहुत थिन होती है, लाइक ई कोलाई, स्यूडोमोनास, इस तरह के। ये इनका स्ट्रक्चर है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज अब इनके बीच का डिफरेंस। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पहली बार आपने सेल ली, स्लाइड पर रखी, प्राइमरी स्टेन दिया उसको क्रिस्टल वॉयलेट का, तो जिस पर ये स्टेन रुक गया, जो पर्पल रह गया, वो तो ग्राम पॉजिटिव है, और जिस पर ये कलरलेस हो गया वो ग्राम नेगेटिव है। फिर अगर हम सेफ्रेनिन से भी स्टेन करेंगे तो ये तो पर्पल रह जाएगा और ये पिंक हो जाएगा। ये इनके बीच का मेजर डिफरेंस है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलग अलग यहाँ पर आएंगे। जैसे आपने सेल ली, स्लाइड पर फिक्सेशन किया, उसके बाद ये क्रिस्टल वॉयलेट कलर देंगे, आयोडीन से ट्रीट करेंगे तो ये पर्पल ही रहेगा, ये भी पर्पल ही रहेगा। लेकिन जैसे आप एसीटोन और अल्कोहल डालेंगे तो इसमें पर्पल कलर रुक जाएगा पॉजिटिव वाले में, जबकि नेगेटिव वाला कलरलेस हो जाएगा। बाद में अगर हम सेफ्रेनिन से स्टेन करेंगे, ये पर्पल ही रहेगा और इसका कलर पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल यू बैक्टीरिया। थैंक यू।